कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रुके रहने से बेहतर होता है। उसी के दिल को दुखाने भी बहुत बड़ी हिंसा है। गोली से तो शरीर लखवी होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक हिल जाती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वह भरोसे के लायक नहीं होता है। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ भी कहो पर रोने के बाद में बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी का मतलब नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों न बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता है। भगवान कुछ लोगों को इसलिए भी हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी वो बातें भी सुन ली होती है जो हम नहीं सुन पाए हैं। नफरत भी एक बंधन होता है, इसीलिए इससे बचकर रहना। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वह कभी स्पष्ट नहीं होते हैं। दुनिया से दो कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना, कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आप जितना अधिक जानेंगे आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाए। भक्त का कोई भरोसा नहीं कब किसे राजा और किसे रंक बना दे। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। सुख में सौ मिले दुख में मिलाना, एक साथ कष्ट में जो खड़ा साथ ही वही है। ने कोई कैसा है, इस बात को इंसान बखूबी याद रखता है, लेकिन वो खुद कैसा है इस बात पर वह शराबी ध्यान नहीं देता है। कोई भी वफादार नहीं होता। आज के युग में हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। अहमद चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए ट्रूडो बॉडी का भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब की दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में झुके हुए सारी दुनिया में हम मीशा उठे रहते हैं। भले डर लगता था कि कोई साथ में छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि अपनी औकात दिखाओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते पर यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। इसी भोले भले इंसान के साथ अच्छे ज्यादा बुरा बर्ताव न करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धारधार हथियार बन जाता है। एक पीड़ा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल हो, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो से आप करना पसंद करते हैं, फिर देखना आप पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करोगे, अच्छे काम करते रहेंगे, चाहे लोग तारीफ करें या न करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेयर के भाव में अगर तांता लगा जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा रखो, आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जिसे आपने जिंदगी के अब तक के सारे पड़ाव पार। अंधी भीड़ में मत चलो, आप खुद का रास्ता खुद बनाओ।
और लोगों को जीत कर दिखाओ जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता। एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजार दी जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कद रही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते हैं। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है, वो ये पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए, कोई गलती नहीं होती है, मल्टी मर्जी होती है। अच्छे लोगों में खूबी होती है कि वह अपने बुरे में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। कुछ से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए, और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमस्फर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियों को सुलझाना चाहिए, न कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल है, जहां ना तो हर किसी को आता है। छोटी सोच के लोगों को गौण भी पर्दा नहीं कर सकता। कृष्णा कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब होता है जब अपना की बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस फायदा उठाना जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाया। आपके जज्बात आपके भक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी गदर हो। खुद को दूर रखना दुनिया की चार से यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे और से लोग भले ही पहचानते नाम से हैं, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में का आना चाहिए, खुशी में दो जुड़े भी नाश में आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का अभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई न कोई सही से देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सत्ता करो, लेकिन उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे में तो बस अपने भरोसे के शर्मिंदा। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं चाहती। दुख दिमाग की उपज है। आप जितना सोचोगे लोग उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो जब भी आती है, लेकिन याद रखना वो पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था,
कि लोग क्या कहेंगे। अब डर लगता है, मैं ही कुछ होने सुनाना बेवफा। हर जगह मार मार कर खुद को हीरो समझती है, लेकिन असल में वो एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रहे। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है, अब इंसान रुपया हो जाता है, जिस दर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उसका अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वो इंसान आपका अपना अभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर कलयुग है। जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाएगा तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। औकात से ज्यादा इससे दे दी जाए तो कुत्ते के काटने पर उतर आते हैं। इस दुनिया में इंसान में झूठ बोलना तब दिखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। लकड़ी के कीड़े पूरी कुर्सी को खा जाते हैं और कुर्सी के कीड़े पूरे देश को पहचाने। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में 90% लोग एक पिंजरे में कैद है और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी की भी से चलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पर आए लगेंगे, इसलिए मन में यह वहम ही पार के रखो, सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है, किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी घायल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको आपके सुनाई देना और तहत कुछ दिखाई देगा।